नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा जिंदल स्टील के बारे में। तो जिंदल स्टील से जो रिक्रूटमेंट आया वो टोटली आपको फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और 10th स्टैंडर्ड लेवल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है तो आप जरूर यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो जिंदल स्टील से आप अप्लाई करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका नोटिफिकेशन क्या है, इस जॉब के लिए आपको क्राइटेरिया क्या रहेंगे, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ इस जॉब के बारे में, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो जॉब ऑफर किया जा रहा है वो टोटली ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के जॉब है। जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग ऑपरेटर का, और देखा जाए तो लोको ऑपरेशंस का भी, ऑपरेटर के भी पोस्ट दिया गया है। तो ये जो जॉब है वो टोटली 18 इयर्स आपको मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम एज, मिनिमम से मैक्सिमम तक आपको अपर लिमिट एज लिमिट दिया गया है। तो मिनिमम एज लिमिट 18 और अपर एज लिमिट आपको ज़्यादा दिया गया है। तो इस एज लिमिट के हिसाब से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन के जो प्रोसीडियर रहेगा वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से। तो इसके लिए कोई भी रिटिन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी रिटिन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। और 50,000 प्लस आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। एप्लीकेशन के फीस के लिए आपको जनरल ओबीसी एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप किसी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो कैंडिडेट शुड बी पास्ट हैव 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड आईटीआई एंड बीए बीटेक कैटेगरीज डिप्लोमा एंड अदर्स जो डिग्री से मतलब कैटेगरी से उसके हिसाब से आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। तो अप्लाई के लिए आपको जुलाई टू अगस्त ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे उसका लिंक्स मैं आपको नीचे दे चुका हूँ, इस लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे कंप्यूटर स्किल के वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब पाना चाहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड स्किल सीखकर जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो जाकर इस कंप्यूटर वीडियो को देखिए और उसके बाद आप जरूर इस तरीके से चीज को सीखिए, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। मेरे कंप्यूटर शॉर्ट वीडियो के साथ साथ लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे बना के दिया गया है, तो जाकर चेकआउट करिए। तो जॉब को आप अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो इसका लिंक्स तो मैं पहले ही नीचे आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो लोको ऑपरेटर्स हो, चाहे वो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेन ऑपरेटर हो, साथ ही साथ लोको ऑपरेटर्स रेल वर्ल्ड यार्ड के लिए हो, तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए। तो मान के चलिए यहाँ पे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद आपका नेम डालिए, उसके बाद एज और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो सारे इन्फॉर्मेशन चेकआउट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस पे ऊपर क्लिक करिए, अगर फेसर्स है तो फेसर्स के ऊपर क्लिक करिए, कोई बात नहीं, आप फेसर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ, आपका स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइजेशन किसे किसके ऊपर है तो वो आप सिलेक्ट करिए। आप जनरल से पास आउट कर चुके तो जनरल सिलेक्ट करिए, और उसके बाद कौन सा कॉलेज से है वो डालिए, और कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर्स और परसेंटेज सब कुछ डालिए। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कब हुआ, कौन सा ब्रैच मतलब कौन सा कैटेगरीज में हुआ वो भी डालिए। और ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह डालकर डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सिंपल सा स्टेप है। हाँ, उसके पहले आपको यहाँ पे एक रिज्यूम सबमिट करना होगा, जो रिज्यूम यहाँ पे डालिए, और उसके बाद जो कैप्चर कोड यहाँ पे है तो कैप्चर यहाँ पे लिखिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।